फ्लो फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक उसी तरह से नॉर्मल के अंदर भी थ्री टाइप की इक्वेशन होगी इलिप्स के नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म, फ्लो फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले है पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब इलिप्स के अंदर ऊपर कोई आपको एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। अगर पॉइंट गिवन है इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इलिप्स की इक्वेशन है और इसके किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, टेंजेंट होगी और पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और नॉर्मल होगा ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है इस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब मुझे जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो टेंजेंट क्यों फाइंड कर रहा हूँ, स्लोप के लिए। अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो उस पॉइंट पे उसके नॉर्मल का स्लोप भी मिल जाएगा। यहाँ से टेंजेंट का स्लोप हो गया वो मिल गया आपको माइनस ऑफ एक्स वन बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय वाई वन, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा ये टेंजेंट और नॉर्मल इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, अगर इसका स्लोप m है और इसका m डैश है तो m m डैश इक्वल टू माइनस वन होगा, यहाँ से m डैश मिल जाएगा माइनस वन अपॉन m, मतलब उसका रेसिप्रोकल करके और आगे नेगेटिव साइन लगा दे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो आगे माइनस साइन, ऑलरेडी माइनस है ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा y1 वन बाय एक्स वन इंटू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये स्लोप आ गया। तो इक्वेशन पॉइंट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की टाइप्स ऑफ इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ से बन जाएगी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए ये मैं डेरिवेशन आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं पैराबोला सर्कल हाइपरबोला के अंदर कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर भूल सकते हो उस टाइम एग्जाम में अगर प्रैक्टिस कम है, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन ध्यान है तो आप फटाक से उसको डिराइव कर सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, या फिर अगर मान लो आपके पास टाइम आपको फॉर्मूला भी ध्यान है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही फॉर्मूला यूज किया या नहीं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम स्लोप, नॉर्मल का स्लोप ये रहा y1 बाय x1 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इनटू x माइनस x1। अब एक तरीका तो मैं इसको यही छोड़ू या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इस तरह से लिखूँ, या फिर एक तरीका मैं इसको इस वे में लिखता हूँ कि वो आपको जल्दी से याद रहे, जैसे मान लो मैं इसको लिखता हूँ y1 और बी स्क्वायर इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन कॉन वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन कॉन एक्स वन बाय बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। मतलब इलिप्स पे कोई पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन दी गई है x माइनस x1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 बाय b स्क्वायर। आप में से किसी को डाउट है, ये तो आपको याद रहे थे, अभी हम जो अभी जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तीनों फॉर्म होने के बाद तो ये आपको याद रहेगा, नो डाउट। चलिए आप ये काम कीजिए, ऐसा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर स्लोप फॉर्म, नो डाउट स्क्रीन शॉट डन डन। नेक्स्ट स्टेप स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म मैंने ये वही रहने वाली है, ये इसका स्लोप है नॉर्मल का स्लोप, इसको सिर्फ नाम दे देता हूँ एम और उसके बाद सॉल्व करता हूँ। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो इसको मैंने बोल दिया कि ये एम, ठीक है। अब यहाँ से वाई वन
y1 क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू m इनटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू x1। अब देखिए ये y1 फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ m, अब ये y1 और x1 तो इलिप्स पे ही है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इलिप्स की इक्वेशन ये इसका था होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया। देवर्स आपने कल भी मुझे जो डाउट पूछा था वो और ये डाउट दोनों बिल्कुल सेम, आपने शायद स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, स्ट्रेट लाइन कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 तो ये m1 into m2 equal to minus 1 होता है, कंडीशन होती है दो लाइन के परपेंडिकुलर होने m1 m2 equal to minus 1। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक का स्लोप पता हो, जैसे मान लो ये स्लोप पता है m2, तो दूसरा मिल जाएगा माइनस वन अपॉन m1, एक का स्लोप पता है दूसरा हो जाएगा उसको रेसिप्रोकल करो और आगे माइनस साइन करना। तो देखिए ये यहाँ पे स्लोप है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप कैसे फाइंड किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, y को वन साइड रखा बाकी सबको उधर और फिर ओनली y अकेला किया तो x का कोएफिशिएंट ये आया वही स्लोप होता है। अब इसको रेसिप्रोकल किया और आगे माइनस साइन लगाया तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकल गया, ठीक है, और इस स्लोप को हमने m बोल दिया तो यहाँ से y1 निकाला। अब ये x1 और y1 दोनों ही कहाँ होने वाले हैं, तो इलिप्स है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आया इलिप्स की इक्वेशन x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब y1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर इनटू b टू द पावर 4 और a टू द पावर 4 इनटू x1 स्क्वायर, ये तो था y1 की वैल्यू अपॉन में b स्क्वायर ऑलरेडी है इक्वल टू 1, तो ये b स्क्वायर और ये b टू द पावर 4 b स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से मैंने x1 स्क्वायर कॉमन निकाला, x1 स्क्वायर कॉमन a बना 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर यहां लिखता हूं तो a टू द पावर 4 आ जाएगा इधर, ये इधर a टू द पावर 4 लिखूंगा तो इधर a स्क्वायर आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर हुआ a टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहां से आपको x1 मिल जाएगा x1 equal to a square upon square root of a square plus m square b square, ये आपको slope मिल गया, ठीक है, sorry x1 मिल गया। अब आपके पास y1 तो है already, अब y1 के यहाँ पे x1 put कर देते हो y1 के जगह तो y1 यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए y1 मिलेगा m b square upon a square into x1, x1 की value यहाँ से put करें, ये मेरा a square upon square root of a square plus m square b square, ये a square कैंसिल हुआ और y1 की वैल्यू मिली। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म, इन स्लो फॉर्म तो वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, y माइनस y1, y1 की जगह ये लिखा mb square upon square root of a square plus m square b square equal to m, slope to m into x minus x1, x1 ये रहा, a square upon square root of a square plus m square b square, ये है slope और तो equation of normal in slope form, किसी को doubt हो तो पूछ लीजिए और डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म, डन, किसी को कोई डाउट नहीं है, डन। नेक्स्ट है थर्ड वन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आपको पॉइंट फॉर्म ध्यान रखना है और पैरामेट्रिक फॉर्म बताता हूँ वो ध्यान रखना है। स्लोप फॉर्म ये अगर आप ध्यान नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट फॉर्म से आप उसको इजीली अगर जरूरत पड़े तो डिराइव कर सकते हो, वैसे कम जरूरत पड़ती है इसकी स्लोप फॉर्म, ठीक है। देखिए
थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो कोऑर्डिनेट होंगे पी पॉइंट के वो चेंज हो जाएंगे। एक्स वन वाई वन की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो इस हिसाब से इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बदल जाएंगे, इसका स्लोप भी चेंज होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, बी साइन ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्स वन, एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन, ये आ गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर स्लोप पूछू तो स्लोप क्या होगा, y को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब जितनी भी चीजें सबको शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, और फिर x का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका स्लोप। तो यहाँ से स्लोप मिल जाएगा, यहाँ पे स्लोप स्लोप है वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, y इक्वल टू देखिए ये आ जाएगा माइनस b बाय a cos थीटा और sin थीटा मतलब cot थीटा, ये आ गया स्लोप किसका, टेंजेंट का, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cot थीटा और b बाय a, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल करो और आगे माइनस साइन करो, तो माइनस माइनस प्लस a बाय b वन अपॉन कॉट थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो होती है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन और वाई वन की जगह ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा आ जाएगा, तो वाई माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू स्लोप है ये ए बाय बी, टेन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा वाई बी कॉस थीटा वाई माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा एक्स, ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये टर्म बन गई आपका ए साइन थीटा एक्स, ए साइन थीटा एक्स, इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस बी cos theta y equal to a square minus b square into sin theta into cos theta, इस फॉर्म में कर लो क्या। अब आप क्या करो, sin theta cos theta से इसको डिवाइड करो, sin theta cos theta, तो ये क्या बनने वाला है, तो ये इक्वेशन बनेगी a अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा, ए अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस बी अपॉन साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आप लोगों को ध्यान कैसे रहेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ध्यान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एक एक्स कॉस थीटा बाय ए वाई साइन थीटा बाय बी, तो इन दोनों को उल्टा कर, कॉस थीटा बाय ए था यहाँ पे ए बाय कॉस थीटा लिख दो, इसको भी उल्टा करो साइन थीटा बाकी था तो बी बाय साइन थीटा हो जाएगा बीच में माइनस, और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बनता होगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको ध्यान रहे, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे ध्यान रहे, ए बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस बी बाय साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म वो होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x1 by a square equal to y minus y1 upon y1 by b square, ये point form, और ये parametric form।
एक्स कॉस थीटा बाय ए था टेंजेंट के अंदर, उसकी जगह हो जाएगा ए बाय कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस की जगह माइनस बी बाय साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट है। ये तीनों टाइम के नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लाल दिख रहा है, महेश्वरी लाल, सबको ऐसा ही लग रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा किसी को? किसी को भी क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर है, क्लियर है बेटा राज, एक बार चेक करो आपके वहां नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी। अच्छा पहले से ऐसा है, स्क्रीनशॉट डाल दो। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल में। आप ये सॉल्व करते जाइए, फाइंड द नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मल टू द लिमिट्स, टू द लिमिट्स एक्स स्क्वायर बाय डी प्लस वाई स्क्वायर बाय ए इक्वल टू वन एट पॉइंट टू कॉमा थ्री किसने सॉल्व किया? वेरी गुड, फर्स्ट आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आंसर दिया है
रिवर्स, वेरी गुड। राज, वेरी गुड। रोहन, ये क्या कर रहे हो? फर्स्ट आंसर है रोहन, ये मैंने पॉइंट बोला है, ये सेंटर नहीं है, क्या कर रहे हो राज? रियांश, वेरी गुड। राज क्या सॉरी रोहन, बेटा फिर से चेक करो। देवर्ष, आपका करेक्ट है। राज का करेक्ट है। रियांश, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। देखो अभी मैंने बताया था कि पॉइंट फॉर्म है वो इजीली आपको याद रहेगा। देखिए ये है x माइनस x1 अपॉन x1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b स्क्वायर। ये पॉइंट फॉर्म होती है नॉर्मल की, ये नॉर्मल की पॉइंट फॉर्म है। अब करना क्या है, x1 और y1 क्या है, ये रहा 3 और 2, a स्क्वायर 18 है, b स्क्वायर 8 है, सब कुछ तो है आपके पास। देखिए तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस x1 की जगह लिखा 3, इक्वल टू x1 बाय a स्क्वायर, x1 है 3 बाय a स्क्वायर मतलब 18 इनटू y माइनस y1, y1 का मतलब 2 अपॉन अपॉन में आएगा y1 बाय b स्क्वायर, y1 बाय b स्क्वायर को मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो y1 है 2 बाय 8, 2 बाय 8। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 बाय 4 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप में से किसने, ये रोहन ने जो आंसर दिया उसमें कहां मिस्टेक है, रोहन समझ आया आपने कहां मिस्टेक की आपने? ओके ठीक है, चलिए अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपको आंसर मिल जाएगा 6x माइनस 18 इक्वल टू 4y माइनस 8। तो ये हो गया 6x माइनस 4y इक्वल टू 18 माइनस 8, ये 10 आ गया। 2 से डिवाइड कर लो तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ रोहन, हाँ वो तो गलती से होगा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स ऑन व्हिच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइंस। देखिए जब भी इलिप्स से कोई पॉइंट फाइंड करना हो या पॉइंट हमें लेट करना हो तो मैंने बता चुका हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म वाला पॉइंट यूज करें। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है, बस ये आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म यूज करूं जिससे मेरे लिए कैलकुलेशन कम हो जाए या इजीली सॉल्व हो जाए। आपके से कई लोग ये पूछते थे हमें कैसे पता चलता है, वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। स्लोप के बारे में बात की है तो स्लोप फॉर्म, पॉइंट के बारे में बात की है तो पैरामेट्रिक फॉर्म, और पॉइंट गिवन है x1 y1 तो वे पॉइंट फॉर्म। जैसे मान लो इसके अंदर आपसे पॉइंट पूछा, ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये एलिप्स है, पॉइंट लेट किया, a cos थीटा, a यहां पे क्या है, देखिए a स्क्वायर 4 है तो ये हो गया 2 cos थीटा, और b स्क्वायर 9 तो b हो गया 3, तो 3 sin थीटा, ये पॉइंट आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, अभी मैंने बताया था कि जस्ट उल्टा करना है, x cos थीटा / a को a / cos थीटा, a कितना है 2, 2 / cos थीटा * x, फिर माइनस लगाना है, फिर 3 / sin थीटा, sin थीटा * y,
फिर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4 माइनस 9, ठीक है। अब मुझे बताइएगा यहां से इसका स्लोप कितना है, अगर आपसे स्लोप पूछता है y वाले टर्म को वन साइड रख के बाकी सबको शिफ्ट कीजिए, ठीक है। फिर x का कोएफिशिएंट देखिए, ये y इधर है तो ये sin थीटा इधर जाएगा, तो 2 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा, तो स्लोप आ गया इसका 2 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा, इसको 2 by 3 tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब हमको क्या बोला है कि ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग स्लोप ये आया क्योंकि हमने ये पॉइंट ले लिया है, और उनके अकॉर्डिंग स्लोप इस लाइन का होगा, और इस लाइन का स्लोप है y equal to 2x मतलब 2, तो ये स्लोप इस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 by 3 tan थीटा हो जाएगा 2 के इक्वल, तो यहां से tan थीटा आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब sin थीटा क्या होगा, अगर tan थीटा 3 है तो sin थीटा हो जाएगा 3 by root 10, और cos थीटा हो जाएगा 1 by root 10, sin थीटा cos थीटा दोनों आ गए। अब हमसे पूछा है वो पॉइंट जहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, अब पॉइंट है 2 cos थीटा 3 sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा आपने फाइंड कर लिया है, पुट कर दो, तो पॉइंट आ गया 2 cos थीटा का मतलब 1 by root 10, और 3 sin थीटा का मतलब 3 और 3 9 root 10। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट है किसी को, आप में से किसी को डाउट है, नो डाउट, पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कॉल करके बताइए, स्क्रीनशॉट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट पी इज ऑन द क्लिप्स, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, एंड क्यू इज corresponding q is the corresponding point on the auxiliary circle, auxiliary circle of the ellipse. If the line joining center to Q, if the line joining center to Q is the normal, is the normal at R, find the value of R, R, then find the value of CR, find the value of CR. पहले ये वाला क्वेश्चन देखो,
किसी ने सॉल्व किया है लैम्डा की वैल्यू? हाँ ये सॉल्व किया है किसी ने, नहीं रोहन छोटी सी मिस्टेक कर गया, चलो कोई बात नहीं देखते। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन, ये जो लाइन है इज नॉर्मल टू द एलिप्स, ये लाइन है वो इस एलिप्स का नॉर्मल होगा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू में ढूंढ। अब सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन में देख लेता हूँ क्या होगी, और वो लाइन और इस पर कंपेयर कर लूंगा जिससे मुझे cos थीटा sin थीटा मिल जाएगा, और उस तरह से हमने लैम्डा फाइंड कर लूंगा। तो चलिए यहाँ पे x स्क्वायर बाय कुछ नहीं है, मतलब x स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर है सबसे पहले तो ये, तो a आपको मिल गया, a स्क्वायर 1 है तो a 1 होगा, b स्क्वायर 4 है तो b 2 मिल गया आपको। अब इक्वेशन होती है नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म में, a बाय cos थीटा होगा उल्टा होगा, x cos थीटा बाय a होता टेंजेंट में, तो a बाय cos थीटा, a कितना है 1, 1 बाय cos थीटा इनटू x, फिर माइनस लगा दें b बाय sin थीटा, b है 2, 2 बाय sin थीटा इनटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर है 1 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, मैं लिखता हूं sec थीटा x माइनस 2 तो sec थीटा y इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये x का कोएफिशिएंट है और इसके कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए क्योंकि एक ही लाइन है, तो 2 बाय sec थीटा इक्वल टू ये माइनस 8 बाय 3 लैम्डा, माइनस 8 बाय 3 लैम्डा वो होना चाहिए अपॉन माइनस 2 cosec थीटा इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस 3 और ये इधर आएगा तो प्लस 3, ये होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन तो हुई, ये नॉर्मल हमको गिवन है और ये हमने अपनी तरफ से नॉर्मल फाइंड किया, दोनों ही नॉर्मल है, दोनों इक्वल होंगे, कंपेयर करो वैल्यूज निकालो और वो वैल्यूज पुट करो तो लैम्डा मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलेगा लैम्डा, यहां से देखिए 2 बाय sec थीटा इक्वल टू 3 बाय 3, मतलब sec थीटा की वैल्यू 2 आ गई, sec थीटा इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा माइनस 8 बाय 3 लैम्डा बाय 2 cosec थीटा, तो यहां से देखिए ये आ गया 8 बाय 3 इनटू लैम्डा इक्वल टू 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा आ गया। अब ये 2 और ये कैंसिल हुआ 4, अब sec थीटा कितना है 2 है, अब sec थीटा 2 है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, तो यहां से थीटा मिल गया आपको 60, ये थीटा मिल गया 60 डिग्री, ये थीटा इसमें पुट करो तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा बाय 3 इक्वल टू cosec 60, cosec 60 होता है 2 बाय रूट 3, तो ये आ गया 2 बाय स्क्वायर रूट 3, तो यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 3 बाय रूट 3 इंटू 4, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, रूट 3 और ये कैंसिल होकर रूट 3 आया, मतलब रूट 3 बाय 2, ये लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू मिली स्क्वायर रूट 3 बाय 2, जो कि आपको फाइंड करनी है। अब आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट है लैम्डा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, किसी को भी डाउट नहीं है, डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताइए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
पॉइंट बी इज ऑन द एलिप्स, ये एलिप्स है, ये एलिप्स, इस एलिप्स का कोई पॉइंट है बी, ठीक है, एंड क्यू इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, अच्छा क्यू है तो इसके ऑक्सिलरी सर्कल में कोई पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्कल तो ऐसा होगा मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के सर्कल बनाए, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो क्यू है और ये बी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, ये तो बता चुका हूँ पहले, ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन बताई कभी, एसेंट्रिक एंगल, तो ये एंगल जो होता है वो थीटा होगा, ये थीटा, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, ये होगी इसको डायमीटर बना के हमने सॉल्व किया है, ठीक है, अब देखिए ये इसके आगे तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं सर्कल के अंदर पैरामेट्रिक, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ए है आपका 4 कॉस थीटा कॉमा 4 साइन थीटा, ये थ्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या कह रहा है, क्यू इज कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स इफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू क्यू, सेंटर से क्यू को लाइन जॉइन करने वाली लाइन meets the normal at R, line joining circle to center to Q, center ये है to Q meets the normal, normal का आप है P पे, okay, इस P पे एक normal draw किया गया है, ये P है, यहाँ पे normal draw किया गया, ये normal, अगर मैं थोड़ा सा उसको इस तरह से बनाऊँ कि आगे जाके fit करें, तो ये normal आ गया, ये normal, ये दोनों नॉर्मल और ये वाली लाइन सेंटर से क्यू को जॉइन करने वाली लाइन आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपसे पूछा है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, फिर से बताता हूँ, ये एलिप्स है और ये ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल का आपने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, अब क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे मेजर एक्सिस पे तो एलिप्स को एक पॉइंट पे कट करेगा पी, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, अब ये सेंटर को क्यू से जॉइन किया तो ये हो गया एसेंट्रिक एंगल, ठीक है, अब क्यू कहां पे ऑक्सिलरी सर्कल पे तो उसके कोऑर्डिनेट हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में ये निकाला, अब इस पी पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल गया, तो ये नॉर्मल क्या कर रहा है कि ये क्यू पॉइंट और सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब ये कह रहा है कि सेंटर सी से आर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेंटर सी से ये आर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर आप R के कोऑर्डिनेट ढूंढ निकाल सकते हैं, अगर आपने R के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए तो फिर आप C के कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही है, 0 0 R के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए तो दोनों के बीच पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब सुनिए, Q के कोऑर्डिनेट ये रहे 4 cos थीटा 4 sin थीटा, P के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, और क्या हो सकता है, देखिए नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पे कौन सी होगी वो मेरे को पता है, और सी और क्यू को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट, वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो सी से आर की डिस्टेंस भी मिल जाएगी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू और ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन होती है y = mx, तो वही आएगी, ये CQ से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन आपने ढूंढ ली, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होती है a by cos थीटा, a कितना है 4 by cos थीटा into x minus b by sin थीटा, b कितना है 3 b by sin थीटा into y equal to a square minus b square 16 minus 9, ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आर, वो पॉइंट ढूंढना, और वो तो इजीली ढूंढ सकते हैं, और उस पॉइंट की 0 0 से डिस्टेंस वही तो पूछिए,
इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल का कंसेप्ट यूज किया और यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, 4 sec थीटा x माइनस 3 और sec थीटा y इक्वल टू 60 माइनस 9 कितना हुआ 7। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से y की वैल्यू 10 थीटा x पुट करता हूँ तो मुझे x मिल जाएगा, वो यहाँ पुट करूँगा y मिल जाएगा, y की वैल्यू 10 थीटा x यहाँ पुट की। तो ध्यान से देखिए ये है 4 sec थीटा x माइनस 3 और sec थीटा इंटू y, y का मतलब 10 थीटा इंटू x इक्वल टू 7। cosec थीटा का मतलब 1 अपॉन sin और tan थीटा का मतलब sin अपॉन cos, sin से sin कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos मतलब sec थीटा, ये आ गया 3 sec थीटा इंटू x, 4 sec थीटा माइनस 3 sec थीटा, ओनली sec थीटा बचा, sec थीटा x इक्वल टू 7। तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा, देखिए x कितना मिलेगा, x 7 by cos थीटा, sec थीटा मतलब 7 cos थीटा, ये x कोऑर्डिनेट तो मिल गया किसका, इस r का 7 cos थीटा, ये यहाँ पे पुट करता हूँ तो y क्या मिलेगा, y हो जाएगा y equal to tan थीटा मतलब sin थीटा upon cos थीटा into x, x मुझे मिला है 7 cos थीटा, तो ये मैंने यहाँ पे 7 लिखा into cos थीटा, मतलब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो y equal to 7 sin थीटा। अब r के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, देखिए c के कोऑर्डिनेट है, c है सेंटर 0 का मध्यम, r के कोऑर्डिनेट है वो है 7 sin थीटा कमा 7 cos थीटा। कोई बता सकता है c और r के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप में से कोई बता पाएगा c और r के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वेरी गुड महेश और इलाज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 7 डिस्टेंस होगी। स्क्रीन शॉट और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट डन डन। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएं मेरे को जल्दी से। आज हम क्लिप्स को फिनिश करेंगे, कल से हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, इन्हीं वाली क्लास में कोशिश करेंगे क्लिप्स को फिनिश हो जाए। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, अगर ये हो गया है तो नॉर्मल टू द इलिप्स, नॉर्मल टू द इलिप्स x square by 64 plus y square by 49 equal to 1. Intersect the major axis. Intersect the major axis and minor axis. Major axis and minor axis at P and Q. P and Q. Find the locus of the point. Find the locus of the point. Locus of the point dividing segment PQ. Segment
डी क्यू इन द रेशियो टू इश टू पर। ये सॉल्व कर लेते नॉर्मल टू एलिप्स, एलिप्स ये रहा एलिप्स की इक्वेशन, वो है x स्क्वायर बाय 64, x स्क्वायर बाय 64 प्लस y स्क्वायर बाय 49 इक्वल टू 1। इसका मतलब a स्क्वायर है वो 64 है, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 8, और b स्क्वायर है वो 49 है, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 7। a और b आपको मिल गए। अब नॉर्मल टू द एलिप्स, इसके किसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया। अब ये नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है इसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट हमें नहीं पता, उसके उस पॉइंट का नाम है बी, और माइनर एक्सिस को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपसे पूछा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट पी क्यू, इस पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करने वाला कोई और एक और पॉइंट है आर, जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए हैं कॉमा के, तो इस आर का लोकस क्या होगा वो आपसे पूछा है। इस आर का लोकस फिर से समझाता हूं आपको, ये इलिप्स है, इसके किसी पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट हमें नहीं पता, किसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, वो नॉर्मल मेजर एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, माइनर एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, और P और Q ये दोनों पॉइंट को 2:1 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है R, तो उस R का लोकस क्या होगा वो आपसे पूछा है, ठीक है। अब सर चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन कोई ना कोई लेट तो करनी पड़ेगी, नॉर्मल की इक्वेशन लेट करोगे तभी आपको P और Q पॉइंट मिलेंगे। तो हमने लेट किया कि लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल a बाय cos थीटा, a कितना आएगा, a आपके पास 8 बाय cos थीटा इनटू x माइनस b बाय sin थीटा 7 बाय sin थीटा इनटू y इक्वल टू a स्क्वायर 64 माइनस 49। ये हो गया आपका 8 बाय cos थीटा x माइनस 7 बाय sin थीटा इनटू y इक्वल टू 64 15। अब देखिए P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ढूंढ निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए P का है x एक्सिस पे और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, जैसे ही y 0 करोगे तो x आपको कितना मिलेगा 15/8 cos थीटा, 15/8 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। Q पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, Q Q कहां पे है, माइनर एक्सिस पर, और Q पे x एक्सिस 0, सॉरी Q है वो y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0, x जैसे 0 पुट करोगे तो आपको y क्या मिलेगा, y देखिए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 15/7 इनटू sin थीटा, ये आपको q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब p और q को जॉइन करने वाली लाइन को 2:1 में एक पॉइंट डिवाइड करता r, उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए h को मार्क किया q, इसका लोकस से, तो 2:1 में सेक्शन फार्मूला से h क्या होगा, h इक्वल टू 2:0 प्लस 1:15/8 cos theta upon n plus n 2+1 3 दिया गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3h, ये बन गया आपका h equal to 15 और 3 कैंसिल हो गया 5/8 cos theta, ये तो h मिल गया, ठीक। वैसे k कैसे फाइंड करोगे, y कोऑर्डिनेट 2:-15/7 sin theta -15 × 2/7 sin theta प्लस 1 × 0 upon 2+1 = k। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से k कितना हो जाएगा 3, 15 को कट करेगा -5 -10/2 sin theta k, तो k मिल गया -10/2 sin theta 10/7 sorry
माइनस 10/7 साइन थीटा, ये आपको के मिल गया। अब ध्यान दीजिए हमें लोकस चाहिए, जब भी लोकस चाहिए तो हमें एच और के का रिलेशन देखना होगा, हमें एच और के का रिलेशन फाइंड करना होगा, और एच और के का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा निकालो, दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड करो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 7k/10 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 8h/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपका लोकस, और एक्स और के की जगह क्या पुट करना है, एक्स और वाई। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, समझ आया? आप में से किसी को कुछ भी डाउट है इस पूरे से, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर दो तीन कंसेप्ट है, डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट डन, लास्ट स्टेप पटेल जी, लास्ट स्टेप देखिए बेटा, आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये ऐड करी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, पी पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वहां पे वाई जीरो होता है, वाई जीरो पुट करते हैं आपने एक्स टू निकाला, क्यू पॉइंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, वहां पे एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो पुट करके आपने क्यू पॉइंट टू निकाला, पी और क्यू को डिवाइड करने वाला, देखो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट, तो सेक्शन फॉर्मूला से एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, अपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां से एच ढूंढ निकाला, उसी तरह से के भी ढूंढ निकाला, एच और के आ गए, ये एच और के, फिर यहां से साइन थीटा निकालो तो आ जाएगा 7k/-10 उसका स्क्वायर किया, यहां से कॉस थीटा ढूंढ निकाला 8h/5 उसका स्क्वायर किया, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का स्क्वायर, अब एच और के की जगह एक्स और वाई पुट करना है क्योंकि लोगों का ढूंढना है, ठीक है, नेवर्स नेवर्स कह रहा है कि हम पॉइंट फॉर्म ढूंढ सकते हैं, लेकिन पॉइंट फॉर्म फिर आपको पॉइंट यहां पुट करना पड़ेगा उसके रिलेशन के लिए, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट यहां पुट करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, और किसी को डाउट है, और किसी को कोई डाउट, नो डाउट, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए, नहीं इवनिंग वाली क्लास में इस नॉर्मल से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन है, और हम फिर वो मिडल पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पोलर पोल, वो सारी चीजें देखेंगे, कोशिश करेंगे आप फिनिश हो जाए, कल से हाइपरबोला स्टार्ट करें, चलिए स्क्रीनशॉट, डन, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन।